जवाद को आ जाए ना, है कोई हल्ला गुल्ला करे। अरे कहती तो हूँ उसे, बस हर मर्तबा कोई ना कोई बहाना कर देता है। क्यों, तब लड़की अमेरिका से आ गई, सारी तैयारियां हो गई हैं, कहीं लड़के का इरादा तो नहीं टकमगा रहा? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है नादरा, होना भी नहीं चाहिए। पता है जब से वो आई है ना यहाँ, 3 रिश्ते आ चुके हैं, कोई कमी नहीं है। मेरी जो हमसाई है वो तो 2 दफा अपने भाई के लिए रिश्ता मांग चुकी है। ये ग्रीन कार्ड होल्डर है ना, इसलिए सब चाहते हैं कि रिश्ता हो जाए, कहीं ऐसा ना हो कि तुम देर कर दो। पागल हो गई हो, इतना खर्चा कर रही हूँ उस पर, जेवर बनवा कर दे रही हूँ, कपड़े बनवा कर दे रही हूँ, इसलिए कि वो किसी और की बहू बन जाए? नहीं, मैं तो तुम्हें सिर्फ ये बता रही हूँ कि उसकी अम्मी की फोन आते हैं बार बार, तो वो परेशान हुई हुई है ना, मैं अब उनको क्या जवाब दूँ? अच्छा फिक्र ना करो, जल्दी कुछ हो जाएगा। अब वो देखो ना, मुख्तार साहब वो भी चले गए, वो होते तो जवाद को जोर देकर कहते, अब माँ की बात में वो दम कहाँ जो बाप की बात में होता है। हाँ मगर जो भी करना है जल्द से जल्द करो, मैं अब चाहती हूँ कि इसको रुखसत कर लूँ ना अपने घर से। अच्छा फिक्र ना करो नादरा, ये उरूज किससे बात कर रही है? अपनी माँ से करती है ना, बड़ी अच्छी शरीफ लड़की है, कोई नाज नखरे नहीं है, मेरी भी मदद करती है, तुम्हारी इफ्रा जैसी बिल्कुल नहीं है। तुम इसको ब्याह कर लेकर जाओगे ना, मुझे दुआएं दोगे कि किस तरह की बहू दी है तुम्हें। अच्छा मेरी जान, मैं भी थोड़ा सा बिजी हूँ, नहीं मैं तुम्हें कॉल करती हूँ थोड़ी देर में, आई विल टॉक टू यू लेटर, ठीक है? हाँ हाँ मैं करूँगी अभी थोड़ी देर में, ओके खुदा हाफिज़। आज आपने आने में बहुत देर कर दी। हाँ वो फैक्ट्री में कुछ काम था, मरम्मत हो रही है ना, उसकी वजह से देर होगी थोड़ी, देखना पड़ता है खुद। क्या वो दवा क्यों खा रही हो? फोन किया था मैंने आपको। हाँ देखा नहीं, भूख लगी हुई है, चूहे दौड़े पेट में, खाना खिला दो। हेलो, आधी मोहब्बत आधा फसाना, ढूंढ ले ऐ दिल अपना ठिकाना, सीखा